भाई आप देख रहे हैं अक्सर टैसा का HDHMR बोर्ड है, और इसमें से हम स्लाइडिंग बार्डर रूप बना के दिखाएंगे। और ये हमने पट्टी काट लिया 22 इंची 600 18 mm का प्लाई है। स्लाइडिंग बार्डर रूप तैयार करेंगे इसमें से 82 इंची 400 हमने इसकी हाइट काट ली है। और ये अंदर अंदर का साइज है। इस तरीके से दोनों पट्टों को मिला के देख लेते हैं इसका लेवल प्रॉपर अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क तो नहीं है। और इस तरीके से हम इसका पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। और ये हमने इसके खन तैयार कर लिए हैं। और इसका मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगा। इसके मेजरमेंट क्या है, हमने 7.5x7 का इसका हाइट लंबाई चौड़ाई रखी है। और इसके जो अंदर के खन है उसका भी मेजरमेंट बताने वाला हूँ। इसका मेजरमेंट हमने रखा है 40 इंच प्रॉपर लास्ट है। इससे ऊपर न रखें, आप 30 इंच भी रख सकते हैं, 36 इंच भी रख सकते हैं सुविधा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने 40 रखा है, 36 से ज़्यादा ना करें। और ये हम गम लगा लेते हैं इस पर, ऊपर का प्लाई पेस्ट करेंगे 6 mm का। ये हमने गम लगा के पूरे में प्रॉपर लगाना है गम। और ये हमारा 6 mm का प्लाई है, इसे हमने प्लाई काट के मिला के रख लिया है। इसका प्रॉपर मिलाना बहुत ज़रूरी है, लंबाई चौड़ाई प्रॉपर बना के रखनी है। हमने ये लंबाई में एक सूत ज़्यादा रखा है, प्रॉपर बना के नहीं रखा है, एक सूत ओवर रखा है हमने एक साइड से। और इसके टक्कर पर ठोक के हम किलो की सहायता से इसे प्रॉपर सेट कर देते हैं। स्क्रू हमारे पास है नहीं है, बाद में है, हम लास्ट में स्क्रू कसेंगे। थोड़ी थोड़ी दूराई पर 6-6, 7-7 इंच की दूराई पर स्क्रू हम जिप्सम वाले कसेंगे। अभी हम किलो से ही मदद से इसे सेट करते हैं। इस तरीके से हमने किलो की मदद से इसे सेट कर लिया है। अब इसके पूरे पार्टीशन पे हम पूरे भाग जितने इसके टक्कर हैं उस टक्कर पर पूरी टक्कर को कवर करेंगे। अब हम इसके नीचे का अलमारी का स्कार्डिंग तैयार करते हैं। हमने स्कार्डिंग बफर सहित कुछ की ऊंचाई रखी है 4 इंच 2 सूत, क्योंकि स्कार्डिंग 4 इंच होती है। अगर 4 इंच है तो हमने 4 इंच 2 रखा, उसमें मसाला टेपर 2 सूत लूज रखा है, जिससे कि अंदर बाहर करने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से प्रॉपर आ जाए। और ये हमारी स्लाइडिंग फिटिंग है, इसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि ये इसकी इसे किस तरीके से लगाते हैं, इसका मेजरमेंट क्या होता है, किस कितने टाइप की स्लाइडिंग फिटिंग आती हैं और उनका अलग अलग क्या क्या हिसाब किताब होता है, वो हमने उस वीडियो में पूरी देखने को मिलेगी आपको। अब इसे हम इसके भी प्रॉपर पेच कसने होते हैं, ढीला ना रहे बिल्कुल भी, इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे के। और इसे इस तरीके से हम पूरे प्रॉपर इसके पीस कस रहे हैं। अब हम इसे पल्ले हमने पहले ही मिला के तैयार कर लिए थे, अब इसे फिटिंग में चैनल में लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए प्रॉपर अच्छे से ये फिटिंग आई है, जिसमें थोड़ा सा गैप है वो हम रंदा मार के कर लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल स्मूथली चल रहा है पल्ला। और लेमिनेट लगाने के बाद इसका डिज़ाइन किस तरीके का आएगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से हमने लेमिनेट लगा के इसका ये डिज़ाइन बनाया है। इसमें बेस्टेड भी नहीं जाता, इस डिज़ाइन में लेमिनेट का प्रॉपर काम करता है। इसके साइड में ड्रेसिंग टेबल भी बनाया हमने।